jungle. पिछला घटनाक्रम आपको मालूम ही है कि दो मुलजिम इसमें मुठभेड़ में एनकाउंटर हुए थे, एक और मुठभेड़ में घायल हुआ था, एक मुलजिम खुद आके सरेंडर किया था। उसी कड़ी में आज जो इनके साथ घटना में शामिल था अंशुल सोलंकी, उसकी गिरफ्तारी हुई है गोल्ड कैश के साथ, मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ। इसके जो इससे पहले सारी रेकी इसमें शामिल था अंशु उर्फ ध्रुव यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अंशुल सोलंकी के जीजा, जिसने इस पूरे माल को अपने घर में छुपाने में मदद की है उसकी और पुलिस को न बताया है, ये तीन और अरेस्टिंग हुई हैं जिसमें से एक डायरेक्टली घटना में इन्वॉल्व है। अंशुल सोलंकी ने पूछताछ में बताया कि इसने कम से कम 4 से 5 बार नोएडा में रेकी की है, जिसमें अंशु ध्रुव भी गया था साथ में। इन्होंने भगवान टाकीज वाली ब्रांच की भी रेकी की है और कमला नगर ब्रांच की 5 से 6 बार रेकी की है। 2-3 बार ये लोग अंदर भी जा चुके हैं उसके, और अपनी अंगूठी वगैरह गिरवी रखने की बातचीत करके वहाँ की भीड़ भाड़ देखने की कोशिश की है। 17 तारीख को घटना हुई है, 10 तारीख को भी ये लोग अंदर गए थे, पूरी तैयारी से थे, पिस्टल वगैरह लेके गए थे। उस दिन ये घटना नहीं कर पाए, थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। फाइनली 17 का दिन चुना गया शनिवार का, और इन्होंने घटना की 2 ग्रुप में बंटकर घटना हुई है। मनीष प्रभात और निर्दोष एक ग्रुप में थे, और नरेंद्र लाला, संतोष, रेणु पंडित और ये अंशुल सोलंकी लालू, ये दूसरे ग्रुप में थे जो फिरोजाबाद से एक दूसरे से परिचित हैं। लूट के बाद ये लोग बस से आ रहे भी, लूट करने के लिए भी बस से आए, अलग अलग जगह पर उतर के वापस ये पार्क में इकट्ठे हुए दुकान के सामने। घटना के बाद भी ये लोग बस से वापस गए, टूंडला गए, टूंडला से पैदल गए, फिर वहाँ से इन्होंने मोटरसाइकिल से अपने भाइयों को बुलाया, अरुण और इनको खुद के अपने रिश्तेदारों को बुलाया, वहाँ से फिर मोटरसाइकिल में बैठ के ये लोग घर गए। नरेंद्र उर्फ लाला के घर पर ये पूरा बंटवारा हुआ, जो अंशुल सोलंकी भी उसी घर में रहता है, उसके सबसे ज़्यादा हिस्सा नरेंद्र ने रखा, बाकी सब लोगों को हिस्सा दिया। और घटना में तो शामिल नहीं था, लेकिन रैकी में शामिल अंशुल यादव, जो उनका पुराना दोस्त है, जो किसी दुर्घटना में उसका फ्रैक्चर हो गया था, उसको भी उसका हिस्सा दिया गया। फाइनली ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने पैसे अपने छुपाए हैं। अंशुल सोलंकी ने अपने जीजा के यहाँ छुपाए, छोटी बहन के यहाँ, उससे वो कैश आज उसने रिकवर कराया है। टोटल आज घटना में लगभग 967 ग्राम तीनों से मिलाकर 967 ग्राम का गोल्ड है, और लगभग 2,90,500 रुपये कैश बरामद हुआ। इस तरह से पुलिस ने इसमें एक और ब्रेक थ्रू हासिल किया है। मैं SSP साहब को, ASP साहब को, इंस्पेक्टर कमला नगर, SOG, सर्विलांस टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। लगातार इस केस को वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि एक एनकाउंटर के बाद या 50% रिकवरी के बाद उन्होंने घटना के फॉलोअप छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा फॉलोअप चल रहा है। अब हमारा मेन टारगेट रेणु पंडित और नरेंद्र लाला हैं, जिसको अब हम पूरे शिद्दत से उनके ऊपर काम करेंगे, और इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हैं या इनके सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने घटना का माल छुपाने में, तमंचे छुपाने में और पुलिस को सूचना न देने में इनकी मदद करने में सहायता की है, उन सबको भी हम इस मुकदमे में कहीं ना कहीं जिस धारा के वो बनते हैं उस धारा के दोषी करार देंगे। सर, अभी तक आपको कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितना माल? टोटल 2 लोग एनकाउंटर में मृत हुए हैं, उनको मिला के 7 लोग इस मामले में अकाउंट फॉर हो चुके हैं। और माल के लिए आप पिछले 2-3 बार का टोटल करना पड़ेगा, एग्जैक्टली ऑफ एंड मैं नहीं बता सकता। 7.5 किलो लगभग पहले था, 1.25 किलो बाद में था, और आज लगभग 1 किलो है। क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता होता कौन सा बदमाश कहाँ रैकी कर रहा है, हम लोग यूनिफॉर्म में रहते हैं, हमारी विजिबिलिटी बदमाशों को दिखती है। बदमाश किसी भी रूप में किसी भी तरह घूम सकते हैं। 99% लोगों की चेकिंग कर पाना हर समय संभव नहीं होता, और ऐसे कई वल्नरेबल स्पॉट हैं जहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेज हैं, बैंक्स में हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैं, वो वहाँ कब कौन क्या रैकी कर रहा है ये हमेशा संभावना, या पुलिस के पास इसका कोई तरीका नहीं है जानने का, जब तक मुखबिर तंत्र उतना मजबूत ना हो, या वो दुकान वाले बताएं कि ये सस्पेक्टेड लोग बार बार आ रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका फ़ायदा बदमाश उठाते हैं। पुलिस की सक्रियता इस बात की है कि कम से कम घटना के बाद तुरंत रिएक्ट करे और घटना वर्कआउट कर ले, जो इस मामले में 100% रहेगी।